हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो आप लोग वैसे टाइटल देख के समझ जाओगे मैं किस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ। किचन दिखा रही हूँ और डेली किचन क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये है मेरी मम्मी का किचन, यानी कि मेरे मायके वाला किचन, और अभी इसकी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं इसको आज, मतलब मैं पूरा किचन क्लीन कर रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किचन कैसे क्लीन कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप मुझे देखने के बाद फॉलो करो, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप पहले से ही जानते होंगे। और यहाँ पर किचन की हालत ये एक्चुअल में ऐसी ही हो रही थी। पापा आटा लेकर आए थे तो आटा वैसे ही रखा हुआ था। इसको मुझे अभी जो कंटेनर है बड़ा वाला हमारा, उसमें इसको रखना है। और यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पर कुछ किचन की हालत रोज़ ही ऐसी रहती है, क्योंकि आशी लोगों की क्लासेज होती हैं। आज आशी की क्लासेज नहीं है उनकी। मैंने कहा क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ और मैं किचन क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। और इसको मतलब करने में मैं अपने आप को 60 मिनट का जो टास्क है 1 आवर का वो दे रही हूँ। तो लेकिन देखते हैं कितने मिनट में मैं ये कर पाती हूँ। अभी तो किचन की हालत जिस तरह से है तो लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, जो कि हमें घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर मैं इस तरह से किचन क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर से मिलेगा कि अगर किचन की हालत रोज़ ऐसी होती है तो हम उसे कैसे फटाफट से मतलब क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी टाइम आप देख रहे हो 10:20 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं मॉर्निंग के। और रोज़ का हमारा इस टाइम पर ही मतलब नाश्ता वगैरह फिनिश होता है, क्योंकि आशी लोग की क्लासेज रहती हैं तो कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन आज इतना टाइम हो चुका है क्योंकि हमने बनाई थी पूड़ियाँ, रात को बनी थी कचौरियाँ। तो कचौरियों का जो वो था, आटा तो नहीं, ये जो तेल था ये काफ़ी बचा हुआ था, तो इसमें ही हम लोगों ने बना दिया था पूड़ियाँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी भी थी ना इस वजह से। तो जितना भी ऑयल बचा है उसको छानकर मैंने कंटेनर में रख दिया है और इसको मैं रख दूँगी साइड में। और जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं अभी सिंक में रखूँगी। जितना मतलब होता है ना, जिन चीज़ों से काउंटर टॉप ज़्यादा घिरा घिरा रहता है उन चीज़ों को सबसे पहले किचन से हटाना चाहिए, ताकि हमें क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी हो। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ की उन्हें वहीं पर रखूँगी मैं, और जैसे धोने वाली चीज़ें हैं वो सिंक में जाएंगी, बाकी जो जैसे चाय पत्ती है, चीनी है, ये इनकी जगह पे जाएगी। तो ये क्या होता है ना, हम लोग चाय बनाते हैं फटाफट से वहीं पे रख दिया, और ऐसा होता भी है, अक्सर होता है। तो जो चीज़ें जहाँ से निकाली थी सबसे पहले उन चीज़ों को हमें उसमें ही रखना चाहिए, ताकि हमारा जो काउंटर टॉप हमें बिल्कुल क्लीन मिले और क्लीनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हमें आसानी हो। तो जितने भी बर्तन थे वो सारे सिंक में चले गए हैं धोने वाले, और जितने सामान वैसे रखे हुए थे अपनी जगह पे नहीं थे उन सभी को मैंने उनकी जगह पे अच्छे से रख दिया है। और जो गैस स्टोव के स्टैंड थे वो वॉश करने के लिए मैंने सिंक में रख दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर गैस को बाद में क्लीन करूँगी, सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक बाल्टी जो है वो लगा दी है, जो आर ओ का वेस्टेज पानी आता है ना उसके लिए। तो ये मम्मी बर्तन धोने के लिए और खास कर पोछा लगाने के लिए यूज़ करती है, जैसे कि हम लोग सब्जी वगैरह वॉश करने के लिए करते हैं अपने घर में, मम्मी पोछा और बर्तन इसी से वॉश करती है। क्योंकि मम्मी का क्या है ना कि आरओ खोल के नहीं रखती है, मम्मी जब पानी कम होता है तब आरओ खोलती है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा है और जो आरओ का पानी को जो वेस्टेज पानी होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसको वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी अक्सर यही करती है। तो मैंने यहाँ पहले ही बाल्टी लगा दी है क्योंकि पानी आरओ में बहुत ज़्यादा कम था इस वजह से। तो अभी जो टोकरे में आप देख रहे हो, टोकरा मीन्स की जो बास्केट है बर्तनों की, उसमें रात के बर्तन हैं, इन सभी को पहले मैं अरेंज करके रख दूंगी, ताकि जब मैं बर्तन धोऊं तो मुझे परेशानी ना हो कि मतलब बास्केट में बर्तन हैं तो जो सूखे हुए बर्तन हैं वो पैसे ही गीले हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो सूखे बर्तन हैं उनको मैं उनकी जगह में रख दूंगी। और जैसे टमाटर की ये बास्केट थी इसको फ्रिज में रख दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उन सबको उनकी जगह पर मैं रख रही हूँ। यहाँ पर आप जो विंडो है किचन की वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि क्या होता है हम लोग बर्तन होते हैं कांच के जो ग्लास होते हैं और कप्स होते हैं वो हम यहाँ पर रख देते हैं कि टूटे ना तो अलग से रहे, लेकिन ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है। मैं पिछली बार भी आई थी मम्मी के यहाँ तो किचन में मैंने इसी चीज़ को सबसे पहले हटाया था, तो उस चीज़ को मैंने वहाँ से हटा दिया। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो किचन में अच्छी नहीं लग रही थी वो सब मैंने वहाँ से हटा दिया है।
और ये जो बर्तन आप देख रहे हो ना, इन सभी बर्तनों को मैंने एक बार अच्छे से पानी से निकाल दिया है ताकि जब मैं इनको वॉश करूँ, मतलब कि जब मांजूँ मैं इनको, तो मुझे बार बार नल खोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब बार बार नल खोलेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस वजह से मैंने एक बार में सारे के सारे बर्तनों को, जो झूठन आप बोल सकते हो, वो निकाल दी है। और वाली क्लिप जो है वो मिसिंग हो चुकी है, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पर जितने भी सिंक में आप बर्तन देख रहे हो, वो सारे ही मैंने मांजे हुए हैं, बस वो क्लिप डिलीट हो गई तो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर जो स्टैंड है गैस के, उनको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनको वॉश करूँगी। और अभी जो बर्तन है उन सभी को मैं वॉश कर रही हूँ। तो जो बाल्टी आप देख रहे हो जिसमें कि आरओ का वेस्टेज पानी आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। तो मैं बहुत कम होता है जो इस पानी से वॉश करती हूँ, मम्मी तो जब भी बर्तन वॉश करती है इसी से करती है, लेकिन मुझे नल से बर्तन धोने की आदत ज़्यादा है। तो लेकिन अभी वो पानी ना नीचे गिरने लग गया था, तो मैंने कहा चलो वो पानी वेस्ट ही हो रहा है फिर एक तरीके से, तो मैं ऐसा करती हूँ बाल्टी में से पानी लेकर ही बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा देखो टाइम जाता है, लेकिन जो पानी वेस्ट हो रहा है ना, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो आधे बर्तनों से मैंने पानी, जो बर्तन है वो धो दिए हैं, और जो आधी बकेट बचेगी ना पानी की, उसको हम पोछे में यूज करेंगे। तो अभी तो मैं जो बर्तन है सारे इसी पानी से वॉश कर रही हूँ। अभी जो बर्तन हैं वो सारे ही मैंने वॉश कर दिए हैं, और जो भी बास्केट में से पानी निकलता है ना बर्तनों का, उस सबको जो किचन का वो होता है वाइपर, उससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। एक बार मैं कपड़ा भी बाद में उसमें ज़रूर से मारूंगी, क्योंकि अभी किचन क्लीन करना रहता है इस वजह से। तो अच्छे से मैंने सारा का सारा पानी, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, जो हमारी प्लाई होती है ना, इसकी किचन की कैबिनेट्स होते हैं, वो ख़राब होने का डर रहता है। तो जितना हो सके अपने किचन को हमें ड्राई ही रखना चाहिए, और वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, तो जितना हो के उतना ड्राई रखना चाहिए किचन को, नहीं तो फिर सीलन जैसी आने लग जाती है, स्मेल जैसी आने लग जाती है इस वजह से। तो अभी बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर जो सिंक है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और आपने देखा होगा हमारे घर, जो मेरा ससुराल वाला घर है, वहाँ पर जो पत्थर का है, पत्थर वाला सिंक है, और उसकी क्लीनिंग हम डेली क्लीनिंग करते हैं, लेकिन जो हफ्ते में या 15 दिन में क्लीनिंग होती है वो मम्मी करती है ब्लीचिंग पाउडर से, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो पत्थर का है उसमें पीलापन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। स्टील का क्या है कि जैसे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं वैसे ही इसको विम बार से हम क्लीन कर देते हैं, और पत्थर का रहता है कि हम लोग पत्थर का भी वैसे ही साफ करते हैं, लेकिन उसको 15 से 20 दिन में एक बार अलग तरीके से क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, जो कि मम्मी करती हैं ब्लीचिंग पाउडर से, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहां पर अभी आप देखोगे जितना भी सिंक है पूरा का पूरा मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, चमक चुका है हमारा सिंक। तो ये वाला काम यहां पर खत्म हो चुका है। अब मैं करूंगी काउंटर टॉप और गैस स्टोव को क्लीन। तो यहां पर मैंने विम बार से ही इसको क्लीन कर रही हूं, और ये रोज हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, कि मतलब गैस स्टोव तो रोज क्लीन करते हैं, लेकिन विम बार हम लोग रोज नहीं करते हैं, 3 से 4 दिन में हम लोग इसे क्लीन कर देते हैं विम बार से, और ये काफी अच्छे से चमक जाता है, क्योंकि स्टील का रहता है, और गैस के जो नीचे वाला एरिया रहता है वहां पर भी काफी अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि वो गिर जाता है, चाय वगैरह खाना वगैरह गिर जाता है, दाल उबालते हुए गिर जाती है, तो वहां पर चींटी वगैरह कीड़े वगैरह का ज्यादा रहता है, तो वहां पर साफ करना बहुत जरूरी है। यहां पर मम्मी की एक छोटा सा स्टैंड था जहां पर मम्मी ने चीनी और चाय पत्ती के डब्बे रखे हुए हैं, तो इसको हटाकर भी यहां पर अच्छे से मैं क्लीन करूंगी, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत भी चिकनाहट हो वो सभी निकल जाए। और टाइल्स तो देखिए वो ये होता है कि हम लोग गैस साफ करते हैं तो रोज ही टाइल्स वगैरह साफ होती है। यहाँ पर जो विंडो का जो एरिया था वहाँ पर भी मैंने विम बार से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये मम्मी का बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मनी प्लांट का जो है प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसके इधर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। मतलब मैंने पूरे काउंटर टॉप में क्लीनिंग कर दी है विम बार से, और अब इनको है साफ़ करने की बारी। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से, जो वो होता है ना माइक्रोफाइबर वाला क्लोथ होता है, उससे बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर रही हूँ, और इससे बहुत अच्छा सफाई होती भी है। तो सबसे पहले गैस स्टोव से शुरू करूँगी, और उसके बाद गैस स्टोव के जो नीचे वाला साइड होता है वहाँ पर क्लीन, और जितना
अभी जहाँ जहाँ मैंने विम बार लगाए हैं वहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और इससे क्या होता है कि अगर हम डेली ही इस तरह से क्लीनिंग करते रहें तो कभी हमें डीप क्लीनिंग की बहुत जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम बहुत महीनों महीनों में करेंगे तो जब डीप क्लीनिंग करने बैठेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए जितना हो सके हाथों हाथ हमें क्लीनिंग करते रहना चाहिए। और काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर जो मनी प्लांट है उसमें जो येलो पत्ते हो जाते हैं ना उन सबको हटा रही हूँ मैं, क्योंकि बोलते हैं मतलब मम्मी मेरी मदर इन लॉ बोलती है उसको हटा देना चाहिए पीले पत्तों को, वो अच्छे नहीं होते हैं रखना। तो जितने भी पीले पत्ते थे वो सारे मैंने यहाँ से हटा दिए हैं और मनी प्लांट को उसी की जगह पर मैंने रख दिया है। ये मनी प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसके बाद जो काउंटर टॉप है, गैस है, जो बर्तन है, वो सब क्लीन हो चुके हैं, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था ना आटा वगैरह जो पापा लेकर आए थे और वो वैसे ही पड़ा है, तो उसको मुझे अभी कंटेनर में डाल रहे हैं। हम लोग उसको कनस्तर बोलते हैं जो बड़े वाले होते हैं वो है, तो इसमें इसको भर दूंगी मैं। और जो यहाँ पर भरा भरा सा रह रहा था ना इसकी वजह से वो वहाँ पर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बास्केट वगैरह थी यहाँ पर जिसमें प्याज और आलू वगैरह जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने यहाँ से हटा दिए थे, उनको उनकी जगह पर ही रख दिए थे। और बस यहाँ पर ये वाला काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर झाड़ू वगैरह जो है वो लगाना, उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। उससे पहले जो अब लास्ट में मैं कर रही हूँ, जो हमारा जितनी भी क्लीनिंग हुई है, जो क्लोथ यूज़ हुआ है यहाँ पर, उसको भी वॉश कर रही हूँ मैं। और इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, ये जनवरी के टाइम पे मम्मी ने लिया था और अभी तक ये चल रहा है। मम्मी ने इसकी बहुत अच्छे से केयर करी है इस वजह से, तो ये इसको अच्छे से वॉश कर दूंगी मैं और इसको रख दूंगी, तो ये अच्छे से जो पानी है इसका निकल जाएगा और ये साफ रहेगा। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जर्म्स होने के डर रहते हैं इसलिए। तो झाड़ू मैंने एक बार लगा दिया है किचन में, अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। और पोछा सबसे लास्ट में किचन में लगाती है मम्मी, क्योंकि जब हमारा नाश्ता वगैरह होता है ना उसके बाद ही मम्मी यहाँ पोछा लगाती है। तो मम्मी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ। तो पोछा लगाने के बाद जो मेरा काम है किचन का, किचन क्लीनिंग का, वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना प्यारा सा किचन, मैंने कैसे इसको साफ करा है। अभी टाइम हो चुका है 11:15 बजे का और मैंने 11:20 पे शुरू करा था अपना वीडियो, मतलब क्लीनिंग करना, और उसमें से 10-15 मिनट तो मेरे कैमरा सेट करने में लग गए। लेकिन अभी टाइम हो चुका है 11:15 मिनट और मेरा सारा का सारा किचन क्लीनिंग का जो काम है वो फिनिश हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा सा किचन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस प्लांट से जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी ने इसको अभी अभी फ्रिज के ऊपर रखा है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। हमारा बहुत ही प्यारा सा प्लांट और बहुत ही प्यारा था हमारा किचन जो कि क्लीन हो चुका है। और आपको अगर ज़रा सा भी इससे मोटिवेशन मिले, आपको भी अपना किचन क्लीन करने का मन करे और आपको मुझसे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप सिंक एरिया देख सकते हो, कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे खुद से बहुत खुशी हो रही है इसकी जो हालत थी और उसके बाद जो मैंने इसको क्लीन करा। ये हमारा डेली का है लेकिन अभी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसकी हालत कुछ ऐसी थी जब मैंने शुरू करा था, और मुझे लगता है बहुत से किचन की, बहुत से घरों की यही स्थिति रहती होगी मॉर्निंग के टाइम पर। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ करा है जितना मेरे से हो सका है। और बहुत खुशी होती है जब कोई लेडी अपने घर को सजाती है, अपने किचन को साफ करती है। और मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगी है क्लीनिंग। मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग आपस में बांट लेते हैं काम, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आज पूरा किचन की क्लीनिंग मैंने खुद से करी है तो मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। यहाँ पर पूरी टाइल्स मैंने अच्छे से साफ करी थी और ये जो चिमनी मैंने ऑन करी हुई है इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, कम रहती है इस वजह से। और यहाँ पर ये मम्मी की बास्केट, छोटी सी बॉल बोल सकते हो आप, कटोरी सी जिसमें ऑयल आता है, तो ये चिमनी की बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर पूरा का पूरा काउंटर टॉप जो है अच्छे से क्लीन हुआ है, पहले आप देख सकते हो और अभी आप देख सकते हो कि कितना अंतर है, कैसा हो रखा था और मैंने उसको कैसा कर दिया है। तो मुझे इस तरह का मतलब वीडियोज़ मैं बहुत कम अपने
चैनल पे लाती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा मेरी मेहनत। मेहनत तो देखो हर लेडी अपने घर में करती है और रोज़ करती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने वीडियो में या हम लोग अपने वीडियो में दिखा देते हैं, और जो घरों में लेडी करती हैं वो अपने आप को ही दिखा पाती हैं। तो यहाँ पर किचन बहुत खूबसूरत लग रहा है, अभी तो नहीं, उससे पहले बहुत खूबसूरत लग रहा था, अभी देखो क्या हालत हो रखी है, और अभी देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको भी अगर मेरा वीडियो देख के मन करे कि हम भी अपनी किचन की क्लीनिंग करें, तो किचन को कभी भी ये मत समझो कि हाय कितना फैल गया है, अब क्या होगा कैसे होगा, कभी मत सोचो, आराम आराम से सारा काम करो और इन्जॉय करके करो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। एक तो वीडियो बना रही थी ऊपर से, मुझे कभी कभी जब मन करता है तो मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, तो आज मैंने वही क्लीनिंग करी है। यहाँ पर अपनी मम्मी के किचन को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।